रीज़न है, क्योंकि जो इन्होंने काम किया है चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, और चाहे युवा जो हमारे लोग हैं उनको लेके हो, जो विचारधारा की है, वो सारी चीज़ें बीजेपी ने अच्छे तरीके से काम किया है। पहली चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो स्पीड था, जो एक्यूरेसी था काम करने का गवर्नमेंट का, यूपीए का, उससे ज़्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी बीजेपी गवर्नमेंट में है। वो प्रतिदिन आठ किलोमीटर के हिसाब से सड़क बनाते थे, ये 22 किलोमीटर के हिसाब से बना रहे हैं। जो प्रॉपर्टी के रेट थे, आप उसी में अगर फ़र्क देख लो, लोग कहते हैं कि क्या किया इन्होंने, आप 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते थे पहले, आज वही प्रॉपर्टी आपको 30 लाख रुपए की मिल रही है, 25 की मिल रही है, ऊपर से आपको अपने नाम पे आप फर्स्ट टाइम अगर रजिस्ट्री करा ले रहे हो तो 2.5 लाख की सब्सिडी भी मिल रही है। तो बहुत सारे बेनिफिट है जो बीजेपी गवर्नमेंट वाले दे रहे हैं, प्लस जो अभी चाहे वो योजना लेकर के आ रहे हो, हेल्थ कार्ड लेकर के आ रहे हो, उज्ज्वला योजना लेकर के आ रहे हो, गैस सब्सिडी हो, सारी चीज़ अगर आप देखो तो बीजेपी गवर्नमेंट इज़ फार बेटर देन राहुल गांधी ने ना ये जो प्रॉमिस किया है कि 72,000 देना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इंसान को ना निकम्मा बना रहे हो। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आप लोगों को सशक्त बनाओ, आप लोगों को कमज़ोर मत बनाओ। जब भी आप लोगों को पैसे दोगे, एक तो ये देगा नहीं, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट कर लो तो हमारे देश की जितनी आबादी है ना, उसमें से अगर 72,000 अगर आप देने लगे तो 18 लाख करोड़ का पार कर जाता है। वैसे भी उतनी हमारी अभी है नहीं, कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रॉमिस कर दिया तो आप ये तो देखो कि आप लोगों को सशक्त बनाने के लिए क्या कर रहे हो, नथिंग एल्स। क्योंकि आपने 60 साल में लोगों को सशक्त अगर बनाया होता तो उन्हें ये वादे नहीं करने पड़ते। अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिस देश के लिए वो चुने गए हैं, जिस देश के पद पे वो आसीन है, उस चीज़ को सक्षम, सशक्त और मतलब सहकारी लोगों के लिए बनाना, मतलब आप अपने चीज़ों को जो है वो वैल्यूएबल बनाइए, उस पर करप्शन नहीं होने देना, ये है चौकीदार का मतलब। अब कांग्रेस वाले यही कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, ये जो बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखो ना कि हमारी देश जो है ना वो चौकीदारी पे ही चल रही है। अगर वो नहीं होते, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हम खुद, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर नहीं रखे ना तो कल को हमारे यहाँ कुछ भी हो जाता है। तो चौकीदार होना चाहिए देश में, प्रधानमंत्री को भी एक चौकीदारी ही करता है, क्योंकि वो देश की रक्षा से जुड़े मामले हो, चाहे गृह मंत्रालय से जुड़ा मामला हो, चाहे बजट से जुड़ा मामला हो, अगर वो हर चीज़ में चौकीदारी नहीं करेगा तब तो करप्शन होने लगे और करप्शन होते रहेंगे। युवाओं के लिए तो सबसे पहला संदेश ये है कि वो ज़रूर आके वोट करें, क्योंकि जहाँ राष्ट्रहित की बात हो और जहाँ राष्ट्र सर्वोपरि होने की बात हो और जहाँ आपको अपने क्षेत्र में आपके योगदान की बात हो, तो वोट ज़रूर करना चाहिए। मैं भी चौकीदार, जय हिंद। वोट इज़ अ फंडामेंटल राइट, वोट तो हर किसी को अधिकार है और हमें देना चाहिए। इससे रिलेटेड अभी नेशनल टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है, इट्स वेरी मीनिंगफुल। अगर हम वोट देते हैं, अपना जो हमारा कैंडिडेट जो काम करते हैं हमारे एरिया में, जो अच्छा कार्य करते हैं वो हमें दिखाई देता है, सफाई होती है, या हमारे पार्क बनते हैं, जो हमारे पार्कों में पौधे लगते हैं, हमारी सड़कें साफ़ होती हैं, कई जगह हमारी जो सड़कें नहीं बनती हैं इसमें लोगों को रोज़गार मिलता है। जो लोग काम करते हैं उसी को ही हम प्रेफर करते हैं कि हम काम करने वाले, हम पार्टी वाइज सेकेंडरी है, हमारे लिए काम करने वाले लोग वैल्यूएबल हैं, जो हमारे लिए, हमारे हमारे पार्ट्स के लिए, हमारे पार्कों के लिए, हमारी सड़कों के लिए, हमारी टेरिटरी के लिए जो काम करते हैं वो लोग हमारे वैल्यूएबल हैं। और इससे रिलेटेड आजकल जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है नेशनल चैनल पर, बहुत ही अच्छी एडवर्टाइजमेंट है जो वोट देने के लिए। वोट हमें सबको देना चाहिए, वोट हमारा फंडामेंटल राइट है। बहुत ही अच्छा सुंदर दिन है दिल्ली के लिए, 12 मई का बहुत ही सुंदर दिन है जो तय किया गया वोटर्स के लिए, दिल्ली के लिए भी। जो आदमी काम करे हमें उसी को वोट देना चाहिए, जिसका हमारे जो लोग हैं उनका, जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। हमें ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर एनालाइज करना चाहिए, उससे हमारा एक अच्छा देश बनता है, उससे हमारे लोग अच्छे चुन के पार्लियामेंट में जाते हैं। जो लोग काम करने वाले हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखना चाहिए कि इन्होंने हमारे 5 साल में क्या काम किया, और काम करने वालों की ही जीत होगी, जो काम करते हैं उनकी जीत होगी, जो काम करते हैं वही पार्लियामेंट में जाएंगे, वही राज्यसभा के आगे मेंबर बनेंगे, लोकसभा के मेंबर बनेंगे।
उन्होंने काम किया है जो मुझे दिखता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैक्सिमम चीज़ डिजिटलाइजेशन हुआ है और कई चीज़ें डिजिटलाइज होने से हमें बहुत सारी जो फ़ायदा हुआ है, जैसे कि भीम हुआ, डिजिटल पेमेंट हुआ, नोटबंदी से भी कई फ़ायदे, एक फ़ायदे हुए कि लोग डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये पिछली गवर्नमेंट ने नहीं फोकस किया, लेकिन ये गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन फोकस कर रही है, तो दैट्स व्हाई मैं मानता हूँ कि ये आ सकती है। और इसने कई ऐसे काम किए जो पिछली गवर्नमेंट करने में एक तरीके से असमंजस में होती थी कि हम करें कि ना करें। आप चाहे इंटरनेशनल में देख लीजिए, चाहे नेशनल में देख लीजिए, ये जो एक हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि एक बार कि हाँ हम कर रहे हैं, और उसको कभी दूसरों से नहीं घबराना चाहिए कि वो हमारी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। एटलीस्ट अपना पॉइंट तो रखता है वो इंसान, आप रख पाए, आपने कभी रखा, तो इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। जैसे इस गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल विल दिखाई यार, कोई भी काम हो उसमें, और जैसे हम फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं तो रेलवे में हमने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ अभी उतनी इम्प्रूवमेंट हुई भी नहीं है, बट एक मेंटालिटी में शिफ्ट आया है। जैसे पहले अगर हम आज से 4-5 साल पहले बोले तो हम एक जनरल ओपिनियन था हम लोगों का कॉलेज के टाइम में कि कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता। अब कम से कम वैसा तो नहीं है, अब हम ये तो सोचते हैं कि कुछ तो हो सकता है। हमें ये लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि आप कचरा देखते थे, पहले हम कचरा रोड पे डाल देते थे, आज आदमी के अंदर इतना चॉइस है कि वो कचरा आपका डस्टबिन डालता है, तो कुछ तो चेंज आया है ना। तो एटलीस्ट हमें एक बार मौका देना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और सर जो दूसरी बात है कि जो अगर आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देखोगे तो वो गठबंधन, महागठबंधन और दुनिया भर की चीज़ें कर रही हैं, उनको अगर इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, अगर उनको इतना श्योर है कि वो आएंगे ही, तो उनको ये सब करना ही क्यों पड़ रहा है? जैसे ये 72,000 की जो ये लालच दे रहे हैं राहुल गांधी, ये उनको क्यों देना पड़ रहा है? ये तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऐसा कुछ बोलने की। लास्ट टाइम में ये सब दिखा रहा है कि पता तो उन्हें भी है। ये तो एक तरीके से कह सकते हैं जनता के साथ धोखा हो रहा है, कि धोखा इस तरीके से है। आप चीज़ एक चीज़ बताइए, मैं भी अगर फ्यूचर में कभी वर्क करने जाऊँ या अगर मैं सैलरी बेसिस पर जाऊँ, तो अगर मुझे पता रहे कि मुझे 72,000 फ्री मिलेंगे, तो मैं क्यों पढ़ूंगा, मैं क्यों नौकरी करूंगा, मैं क्यों ही स्कूल जाऊंगा? अगर मुझे लगता है कि हाँ 72,000 फ्री में ही आने हैं, तो एक मेंटलिटी बन जाती है। एटलीस्ट जो वर्क कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उनको दीजिए ना। अगर आप किसान की बात करते हैं तो किसान को दीजिए, जिसकी जरूरत है उसको दीजिए। आप मुफ्त में 72,000 बांटेंगे तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, एज इन माई ओपिनियन। एक्चुअली एक चीज़ है, अगर आप स्टैट देखेंगे तो पिछले 10 विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभा क्षेत्रों में वो पार्टियाँ जीती हैं जिन्होंने किसानों का लोन माफ़ करने का कहा है। मतलब ये एक तरह से अब ब्राइब हो गई है पूरे देश में। आप बोलिए कि हम आपको पैसा दे देंगे और आप बदले में वोट खरीद लीजिए, इनडायरेक्ट हिसाब से। जैसे हम एनजीओ के साथ भी काम करते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप गरीबों को पैसे मत दीजिए, इससे उनका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप उनको खिलाइए, आप उनको पढ़ा दीजिए, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे वो उनका दूसरे तरीके से फ़ायदा हो, पैसे देने से फ़ायदा नहीं है। यही चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज अब हम लोगों पे करने लगा है। उनको लगता है कि इनको पैसे दे दो बस, ये हमें वोट दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा। और हम इसमें कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट भी करते हैं, सच्चाई है। जहाँ वो बोलते हैं वहाँ लोगों का सपोर्ट करते हैं। तो उनको यही है कि आप डायरेक्टली ब्राइब नहीं दे रहे, चुनाव विभाग क्या करता है, वो डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहा, अनडायरेक्ट में पैसा मिल रहा है उनको। तो ये वोट तो उन्हें करना ही चाहिए। जैसे मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूँ, अभी वहाँ विधानसभा हुए थे तो जो सिटिंग MLA था वो 500 वोट से हार गया था। तो ऐसा नहीं है कि वोट्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि 500 वोट के मार्जिन से भी, यहाँ तो एक एक वोट के मार्जिन से लोग हारते जीतते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वोट नहीं कर रहे हो तो आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं देश के लिए, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, तो आपको वोट तो करना ही चाहिए, तो हमारा राइट्स भी है और हमें हमारी जिम्मेदारी भी है। आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं, मोदी नहीं, राहुल नहीं, कोई पसंद नहीं, आप नोटा बटन दबाइए, एटलीस्ट उन्हें पता तो चले कि हाँ जनता नाखुश है। आप नाखुश हैं, आप नाखुश अगर आप वोट ही देने नहीं जा रहे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ, तो पता कैसे चलेगा कि खुश है कि नाखुश है? तो एटलीस्ट जाओगे, जब नोटा दबाओगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ इतने लोग नाखुश हैं, तो हमें कुछ चेंज आना चाहिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर द रेगुलर अपडेट्स।